इसी के इस महायुग में भगवान राम के अनोखे भक्त, वो समुदाय जहाँ के लोगों के मन ही नहीं तन पर भी बसते हैं राम। बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। भगवान राम की भक्ति देश भर में अलग अलग तरह से की जाती है। ऐसा ही अनोखा राम भक्त राम नामी समाज है। इस समाज के रोम रोम में बस राम बसते हैं। भगवान राम के प्रति अगाध अथाह प्रेम और अटूट आस्था की एक और अलग गाथा हकीकत में कहीं विराजमान है तो वो छत्तीसगढ़ के राम नामी समुदाय ही है। शरीर पर श्वेत परिधानों के साथ बिना किसी भेदभाव के शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन का संदेश देने वाला रामनामी समाज मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में निवास करता है। इस समाज के लोगों को देखकर ही आप पहचान जाएंगे कि रामनामी समाज का व्यक्ति है। इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति माथे से लेकर पूरे शरीर पर टैटू बनवाते हैं। इनके तन पर राम नाम की चादर और सिर पर मोर पंख का मुकुट इनकी वेशभूषा है। कहते हैं कि समाज के लोग झूठ नहीं बोलते और मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। राम नाम से शुरू हुई इनकी सुबह राम नाम जपते रात हो जाती है। कब हुई थी इस समुदाय की स्थापना? रामनामी समुदाय की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले के छोटे से गांव चारपारा में हुई थी। जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था तब दलित समुदाय के लोगों से मंदिर में जाने का हक छीन लिया गया था। उस वक्त समुदाय के एक युवक परशुराम ने 1890 में समाज की स्थापना की थी। परशुराम द्वारा स्थापित ये एक हिंदू संप्रदाय है जो पूरी तरह से राम भक्ति में रमे हुए है। इस समुदाय के लिए श्री राम उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इनकी मान्यताओं के अनुसार भगवान राम किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि हर मनुष्य और पूरी प्रकृति में समाये हुए हैं। इस समाज के हिसाब से शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है जिसमें स्वयं राम का वास है। उनके अनुसार सभी धर्म समान है और ईश्वर सब जगह है। इस समाज में तीन तरह के लोग रहते हैं। पहले वो जो अपने शरीर के किसी एक हिस्से पर राम नाम लिखवाते हैं वो राम नामी कहलाते हैं। दूसरे वो जो अपने माथे पर दो राम नाम गुदवाते हैं उन्हें शिरोमणि कहते हैं। पूरे माथे पर राम नाम लिखवाने वालों को स्वर्गन राम नामी कहते हैं। शरीर के हर हिस्से पर राम नाम लिखवाने वालों को नखशिखा राम नामी भी कहा जाता है। क्योंकि रामनामी समाज की शुरुआत जात पात ऊंच नीच के विरोध स्वरूप हुई थी, मंदिर में पूजा अर्चना करने को नहीं मिली थी, इसलिए रामनामियों ने शरीर पर राम नाम लिखवाया। रामनामी मानते हैं कि राम नाम अजर अमर है, इसलिए जब इनके समाज के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, क्योंकि पार्थिव शरीर पर भी राम नाम लिखा होता है। बहरहाल भारत में इस भक्ति युग में खुद की पहचान बचाए रखने की चिंता रामनामियों में दिखती है। फिर भी अपने आप में अलग संस्कृति को समेट राम के अनोखे भक्त दिन से लेकर रात तक राम भजन गाते राम की धुन में नाचते अस्त व्यस्त और मस्त रहते हैं।